मॉर्निंग एवरीवन। तो कहिए कैसे हो आप सब। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 53। तो वर्कशीट नंबर 53 में हमने क्या पढ़ना है, चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में हम ऑलरेडी पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि किसी समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, जो ये विकर्ण है AC, ये इसको क्या कर रहा है, दो सर्वांग सम त्रिभुजों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब इसी से रिलेटेड दो पॉइंट्स आते हैं बेटा। अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने वाले, यानी कि पी क्यू किसके बराबर आ जाए, आर एस के, या फिर आर क्यू किसके बराबर आ जाए, पी एस के, तो वो क्या बन जाता है बेटा, समानांतर चतुर्भुज। दूसरा वो क्या कह रहा है कि आमने सामने वाले कोण जो हैं अगर वो भी बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाता है, समानांतर चतुर्भुज। जैसे यहाँ से ये एंगल 1 एंगल 2 के एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाए तो ये क्या बन गया, समानांतर चतुर्भुज। तो उसी के बेसिस पे हमने क्या करना है बेटा, इनको फिल करना है। देखो इसने क्या बोला, ई एफ जी एच जो है समानांतर चतुर्भुज है। तो वो कह रहा है जो ट्राइंगल ई एफ जी, जैसे इसमें नाम दिया हुआ ई एफ जी, तो बेटा यहाँ पे भी नाम ऐसे ही जाएंगे। देखो ध्यान से क्या नाम आएगा यहाँ पे, सबसे पहले जी के इक्वल कौन सा एंगल होगा, ए के इक्वल कौन सा एंगल होगा, जी। तो यहाँ से आ गया एंगल जी। दूसरी बात, यहाँ से देखो मेरा क्या बना, इसके इक्वल कौन सा एंगल आएगा, ये एच, तो क्या आ गया यहाँ से एच। इसके इक्वल कौन सा एंगल जाएगा, एफ, तो एफ, ऐसे नाम देना है आपने, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो ई एफ है, ई एफ ये वाली साइड है, इसके सामने कौन सी साइड, एच जी, तो आंसर आ जाएगा एच जी, ठीक है। आगे देखो, आगे उसने क्या बोला, एफ जी, आगे उसने क्या बोला ध्यान से देखो, एफ जी, एफ जी के सामने कौन सी साइड है बेटा, ई एच, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, ई एच। आगे देखो एंगल एच ई एफ, एच ई एफ, इसके सामने कौन सा एंगल है, जी, तो क्या नाम आ जाएगा, एच जी एफ, एच जी एफ। फिर देखो ई एच जी, ई एच जी, यानी कि इस पूरे के सामने कौन सा एंगल आ जाएगा, एफ, तो ई एफ जी, तो नाम क्या आ जाएगा, ई एफ जी, ठीक है। आगे देखो कोण ई एच जी, ई एच जी, यानी कि ये किसके बराबर है, इसकी, क्योंकि ये इसका कैसा है, एक ही विकर्ण के एक ही साइड और एक ही साइड, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्या नाम है इसका, जी एफ एच, जी एफ एच। दूसरा देखो जी एच एफ, जी एच एफ, ये वाला इसके, तो ई एफ एच, तो यहाँ से आ जाएगा ई एफ एच, ठीक है। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 53। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।